गुड मॉर्निंग, सभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। और अभी आप लोगों ने मुझे देखा कि मैं अभी काम कर रही थी अपना। एंड गाइस, आज है मेरा बर्थडे। ये हैप्पी बर्थडे टू मी। सो ये होने वाला है एपिसोड 2nd, एंड एपिसोड 3rd भी आएगा एंड 4th भी आएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड गाइस, आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है? आई होप कि मजा आ रहा होगा। एंड आई एम टर्निंग, आई हैव ऑलरेडी टर्न 15। एंड बहुत से लोग बोल रहे हैं कि कमेंट में, यू डोंट लुक 15, यू लुक लाइक 30 और 12 इयर्स ओल्ड गर्ल। गजब बेइज्जती है। बट गाइज, इट्स ट्रू, माई बर्थ ईयर वॉज 2007, सो अकॉर्डिंग टू दैट आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। सो अभी आई एम नॉट गोना डू एनी थिंग, क्योंकि अभी मेरे कुछ करने को है भी नहीं। लेकिन हाँ, एक बात, लंच करने के बाद एक बहुत ही बड़ी चीज़ करने जा रही हूँ आज मैं। इतनी बड़ी भी नहीं, लेकिन हाँ वो मेरे लिए बड़ी है एंड बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही क्यूट है। सो डोंट फॉरगेट इट, क्योंकि वीडियो आप लोग स्किप मत करना। मैं बता दूँ, स्किप करना तो आपका ही घाटा है, मेरा तो कुछ नहीं जाता है। एंड गाइज, मैंने अपनी कल ड्रेस भी पिकअप कर ली थी एंड केक, एक्चुअली मेरे भैया मम्मी पहले सरप्राइज़ देना चाहते थे मुझे केक का, कि वो अपने हिसाब से कराएंगे, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आया कि कौन सा लेना चाहिए। फिर दे बॉट मी टू द शॉप एंड फिर हम लोग वहाँ से बुक करके आए केक कल। सो केक भी बुक हो चुका है, तो हम लोग लेके आएंगे उसको शाम के टाइम ही। तो अभी आज खाने में बना है मेरे फेवरेट छोले, जो वाइट वाले छोले होते हैं, बड़े वाले, और उसके साथ राइस, जो कि मैंने मम्मा को बोला था ज़्यादा कुछ हैवी ना बनाना, सिंपल खाना बनाना, क्योंकि ऑब्वियसली रात को डिनर करने हम जाएंगे तो इतना कोई मतलब फालतू का फिर मतलब नहीं है ना कोई। एंड आई एम लिटरली सो हैप्पी, टुडे इज़ माई बर्थडे एंड मेरे को इतनी विशेज़ मिली सुबह, बहुत सारी है ना। अभी भी कॉल आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के, मेरे रिलेटिव्स के, मेरे फ्रेंड्स के। एंड आप लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम नहीं देखा है तो जाके देखो। सो एक काम करते हैं, जब तक हम अपने DMs को रिप्लाई दे देते हैं, है ना, तो चलो अब चलते हैं। मैं अपने जितने भी मेरे YouTube फैमिली मेम्बर्स, उनको रिप्लाई कर देते, क्योंकि आप लोगों ने इतनी सारी विशेज़ दी हैं कि क्या ही बताओ। सो यार, लेट्स गो। हे गाइज, वेलकम बैक। जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे DMs भी रिप्लाई कर दिए एंड अपना लंच भी कर लिया। इन लंच बहुत टेस्टी था, यम्मी यम्मी सा। सो और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं लंच के बाद कहीं जाऊंगी। सो हम जा रहे हैं हमारे बर्थडे फ़ोटोशूट के लिए। सो या एंड जो मेरी आउटफिट है वो अलग है बर्थडे की, और अभी हम जो फ़ोटोशूट के लिए वो अलग है। सो वो आपको वहीं देखने को मिलेगी, जो फ़ोटोशूट की जो डेस्टिनेशन है जहाँ हम जा रहे हैं। सो मैं अब ये जा रहे हैं, ये तो प्रोफेशनल फोटो शूट नहीं हो रहा, बस DSLR नहीं है हमारे पास, है फोन, लेकिन ये फोन भी DSLR से कम नहीं है हमारे, मतलब आपको मत सिखा। सो या हम करेंगे अच्छा सा फोटो शूट। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, बस आप बस इसे कर देना, वीडियोस को शेयर कर देना एंड थैंक यू फॉर ऑल द विशेस। सो चलते हैं हम, लेट्स गो। फोटोशूट सभी हम लोग जाते हैं नीचे, मैं अभी गंदी लग रही हूँ लेकिन वहाँ पे अच्छी लगूंगी। सो यार, लेट्स गो। ये मुझे लेके जा रहा है फोटोशूट पे। सो यार, लेट्स गो। सो दिस इज फ्रॉम सरोजिनी नगर, दिल्ली का सरोजिनी नगर, एंड दिस इज फ्रॉम अमेजोन, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम अमेजोन, नाइकी के शूज एंड माई वॉच फ्रॉम पुणे, एंड माई नेकलेस इज ऑल्सो फ्राम अमेजोन। अरे बस इतना जूम क्यों कर रहा। सो ये है मेरी आउटफिट। क्योंकि जब बलून आए थे वो फॉइल वाले न्यूमेरिकल्स वो फट गए, क्योंकि धूप बहुत तेज हो रही है यहाँ पे, तो वो धूप के कारण वो फट गए। पहले हम बड़े एकदम 32 इंच वाले लेके आए थे तो वो रास्ते में फट गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो वो बहुत बुरा हुआ, बहुत बड़े थे उसमें अच्छी फोटो आती, लेकिन फिर हमने छोटे वाले खरीदे तो वो भी फट गए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है,
प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। लेकिन फोटोज अच्छी आ गई, पहले इसको होम। सो गाइस वी आर होम, बहुत ज्यादा थके हुए हैं क्योंकि हम बहुत मतलब फोटोज तो आ गई हैं आपको। लेट्स गो ऊपर ऊपर। पहले 32 इंच के बलून कुछ होते हैं लाइक वो मेरे बराबर का 5 था जब हम लोग उसको घर से फुला के लेके गए थे एंड फिर हम लोग रास्ते में फूट गए, फिर हम लोग ने रास्ते में 16 इंच के खरीदे। वही वाले कपड़ों में चेंज कर लेते हैं जो मैंने सुबह नहाकर पहने थे। सो या वेलकम बैक। जैसे कि आप लोगों ने देखा हम लोग गए थे अपने फोटोशूट करने के लिए एंड वो फोटोशूट बहुत ही मस्त गया और अच्छा गया, मजा आया। लेकिन थोड़ा सा हमारे साथ लॉल हो गया था, हमारा जो बड़ा बलून था वो रास्ते में ही धूप की वजह से फूट गया था जो कि 32 इंच का था। फिर हमें आखिर में आगे 16 इंच का ही यूज करना पड़ा क्योंकि 32 इंच का कहीं मिल ही नहीं रहा था। सो या मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, बाय। अच्छा सो अभी बज रहे हैं 3:15। जैसे कि आप लोग वहाँ पे देख लो, वहाँ पे गंदा बहुत। अभी मैं जब फोटो शूट के लिए गई थी तो मैंने बहुत सारे कपड़े निकाले थे पहनने के लिए। सभी मैं नैप से उठी थी, मैं सो गई थी। मुझे ना सामने वाले कमरे से, मैं तो अपने कमरे में सो रही थी, मुझे सामने वाले कमरे से कुछ आवाजें आ रही है एंड आई एम प्रिटी श्योर कि कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, मुझे पक्का से पता है। ये देखो वो जो सामने रूम है बंद है एंड मम्मी और भैया है सिर्फ, मैं यहाँ सो रही थी। मैं उठी बस मेरे को नींद, आँख खुल गई थी बस, लेकिन मुझे आ रही आवाज़ें। मेरे को पता है लोग कुछ ना कुछ बलून वगैरह बुला रहे, कुछ ना कुछ तो डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं, मुझे इतना पता है। सो अभी हम बाद नहीं मिलते क्योंकि मुझे थोड़ी देर बाद कोई बुलाने आएगा जब हम शूट करते हैं। A few moments later. Years later. मैं अंदर आ जाऊं, खोल लूं? नहीं अभी नहीं आऊंगी। क्यों? अरे खोलो तो सही, क्या कह रही हो, दिखा दे थोड़ा सा। अजीब है यार, पता नहीं कैसा क्या कर रहे। ए रहा नहीं जाता। अरे मम्मी 4 बज गए, केक लाना था। तो अभी हम गाइस मेरे को बंदा जाने दे नहीं रहे, सभी हम जाएंगे केक लेने के लिए क्योंकि 4 बज रहे हैं, तभी हम अपना केक लेने चलते हैं। सो या लेट्स गो। ऑर्डर देने गए थे, हम केक लेने जा रहे हैं। घर पे आ गए, अब ऊपर जाती हूँ मैं, फिर अभी अब बन गया होगा पर मुझे पता है, तो फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद कपड़े वपड़े चेंज करके। ये सही लग रहा है ना, तो YouTube की जो इनकम आएगी ना उसमें से मेरे को हाफ मिलेगा इसका। अभी गाइस मेरे को इनकम नहीं मिलती यार, तो बहुत सही लग रहा है यार। ठीक है लाइट है, हाँ वो बंद हो गई, सेल खत्म। अरे वाह यार, ये टैटू तुम लेके आए हो? ये मेरी चॉइस है, ये मेरी चॉइस है। ये स्टैंड भी तो सही लग रहा है गाइस, देख इसके गाइस देखिए गाइस
ये स्टैंड कितना प्यारा लग रहा है ना, और ये हार्ट कितना प्यारा लग रहा है। जस्ट की लाइट जलाऊं मैं? ओ है ना, वाओ कितना प्यारा लग रहा है। तो गाइस कैसा लगा आपको डेकोरेशन? यार मुझे तो सही लग रहा है। 15 को क्या हो गया, ये छोटा बड़ा क्यों है, ये छोटा बड़ा क्यों? वो एक्चुअली क्या है, वन खाते पीते रहता है और जो 5 है उसका पूरी हो गया। ये भी टैग भी मस्त लग रहा है, बहुत सही यार। तुम लोगों ने बहुत सही डेकोरेशन करी मम्मी। तुम लोगों नहीं, मैंने सिर्फ, मम्मी ने भी हेल्प करी। मम्मी पूरे टाइम अंदर थी, मैं देख रही थी, मम्मी बाहर ही आ रही थी। सो गाइस कैसे लगा? एक मिनट, जल्दी रेडी होके आ, सेलिब्रेशन करना है, केक कटिंग करनी है। अरे वाह, सुबह रेडी होके आती हूं, मैं सेलिब्रेशन करते हैं। सीधे घर पे आके सब सो गए थे, मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत थी मैं शूट कर लूँ। सो ये था मेरा बर्थडे व्लॉग, कैसा लगा आपको? ये था episode 2, episode 3 गाइज मैंने शूट किया हुआ है, गेट रेडी विद मी फॉर माई बर्थडे पार्टी। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट कर दो, अगर नहीं चाहिए तो साफ साफ मना कर दो, क्योंकि मेरा इतना उसको ऐसे उत्सुकता नहीं हो रही है डालने की। तो जैसा कि आप बोलो मैं वैसा ही कर दूँगी। फिर 4th वाला लाएंगे हम एपिसोड, फिर होगा वो लास्ट एपिसोड। तो मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, स्टे पॉजिटिव।